हर रात जेल में अपने पति से मिलती थी मुख्तार अंसारी की बहू। डिप्टी जेलर के रूम में होती थी दोनों की मुलाकात। बिना परमिशन रात के अंधेरे में जेल में घुस जाती थी मुख्तार की बहू। जेल के कुछ अधिकारी और कर्मचारी ही दोनों की मुलाकात करवा रहे थे। अचानक पड़ा छापा तो सब कुछ आ गया सामने। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि चित्रकूट जेल के अंदर ये घिनौना खेल कब से और किस तरह से खेला जा रहा था। जी हाँ, यूपी के चित्रकूट के जेल से जो खबर सामने आ रही है वो आपको हिला के रख देगी। बताया जा रहा है कि चित्रकूट जेल के अंदर बंद कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी हर रात अपनी पत्नी से मिलता था। रात के अंधेरे में उसकी पत्नी चुपचाप जेल के भीतर घुस जाती थी। जेल के अधिकारी और कर्मचारी ही उसे उसके पति से मिलवाने में मदद करते थे। इतना ही नहीं, जेल के भीतर उन्हें एक प्राइवेट कमरा दे दिया गया था और उस प्राइवेट कमरे में जो कुछ भी होता था उसे देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके बाहर ताला लटक जाता था। सूत्रों की माने तो काफी लंबे समय से हर रात जेल के अंदर ये खेल खेला जा रहा था। मिलन की यह रात और लंबी चलती उससे पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक लग गई और फिर मुख्यमंत्री का फोन घनघनाया तो रात में ही जेल में छापा पड़ गया। छापा मारने पहुंचे डीएम और एसपी तो उनके भी होश उड़ गए। बैरक में अब्बास गायब था। जब तलाशी दूसरे कमरों की ली गई तो पता चला कि एक प्राइवेट कमरे में अब्बास अपनी पत्नी के साथ मौजूद है। खुद एसपी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए। जी, हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरिक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरिक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पर हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को, उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है। तो सुना आपने किस तरह से जेल के भीतर बिना किसी परमिशन के मुख्तार की बहू पहुंचती है और फिर जेल के अधिकारी और कर्मचारी ही उसके आवभगत में लग जाते हैं। जेल के अंदर वो मोबाइल भी लेकर चली जाती है और उसी मोबाइल से जेल के भीतर से ही अब्बास अपना पूरा साम्राज्य चलाता है। वो उसके भीतर से ही लोगों को फोन करके धमकी देता है और उसके बाद से रंगदारी वसूलता है। और ये सब कुछ हो रहा था जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से। ये तो बाद में विवेचना में पता चलेगा कि आखिर कब से अब्बास की पत्नी उससे मिल रही थी और कितने दिनों से ये घिनौना खेल जेल के अंदर खेला जा रहा था। लेकिन ये तो तय है कि इस मामले ने योगी आदित्यनाथ के तेवर गर्म कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो गए हैं और इसी सख्ती का नतीजा है कि जेलर अशोक सागर के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 6 अन्य जेल कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज करके विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब्बास की पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है और एक ड्राइवर जो अब्बास का ड्राइवर बताया जा रहा है जो उसकी पत्नी को लेकर आता था उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अब्बास की पत्नी और उसका ड्राइवर दोनों ही अब्बास को फोन उपलब्ध कराते थे और इसी फोन से अब्बास का ये काला साम्राज्य चल रहा था।
एक बात और सामने आई है कि इनके पास से विदेशी मुद्रा जो कि यूएई की बताई जा रही है उसको भी बरामद किया गया है। और अब आपको बता दें कि अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 नवंबर 2022 से ही चित्रकूट जेल में बंद है। अब ये पूरा मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है, साथ ही प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी।